अगर आप चाहते हैं तो मैं कोई एक चीज आपको सिंगल खरीद के भी दिखा देता हूँ, जैसे कि सिंगल एनालिसिस है, तो सिंगल एनालिसिस का मैं आपको एक पर्टिकुलरली HDFC बैंक का अगर एनालिसिस लेना है तो मैं आपको खरीद के बता देता हूँ कि भाई प्रोसीजर क्या होगी और मुझे क्या चीज का ख्याल रखना है। ओके मैं अभी इसको एड टू कार्ट करता हूँ HDFC बैंक को, जिसके हम लेवल से लेना चाह रहे हैं। ये आइटम एडेड हो चुका है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मैं गो टू कार्ट में जैसे ही क्लिक करता हूँ वो मुझे यहाँ पे लेके आ गया। मुझे कोई आइटम रिमूव भी करना है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ कार्ट से। पे नाउ में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है कि मैं किस माध्यम से पे करना चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ पे UPI Paytm दिख रहा है, UPI फोनपे दिख रहा है, नीचे कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, UPI का ऑप्शन दिख रहा है, नेट बैंकिंग का दिख रहा है, वॉलेट का दिख रहा है। हर एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं फोनपे से पेमेंट करूँ, तो मैं फोनपे में जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुझे कंटिन्यू एंड पे बोलता है। मैं इसमें जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुझे फोनपे में लेके जाएगा। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली लेके जा रहा है। मुझे आराम से बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब पे का ऑप्शन आ गया है तो मैं ये पे नाउ में क्लिक करता हूँ, अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ वेट करना है। जैसे ही सक्सेसफुली होगा ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन में, सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन में मुझे वेट करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ प्रेस नहीं करना है, कुछ रिफ्रेश नहीं करना है। अगर मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। जैसे ही मैंने ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर दिया है, दिख रहा होगा आपको लिख के आया कि ऊपर ऑर्डर प्लेस लिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैंने सर्विस क्या लिया था अतुल जी, मैंने सर्विस लिया था HDFC के, मुझे एनालिसिस और लेवल्स चाहिए थे। बेसिकली मैजिकल लेवल चाहिए थे जो कि अमित जी के माध्यम से, इंटेलिसिस के माध्यम से मुझे मिलती है। तो मैं एनालिसिस में क्लिक करूंगा। देखिए मुझे ये पूरा एनालिसिस यहाँ पे मिल चुका है। मुझे अगर कभी ये प्लस का आइकॉन रहता है तो क्रॉस में क्लिक करूंगा तो मुझे और अच्छे से स्क्रीन प्रॉपर दिख जाएगी। ये देखिए मैंने लेवल्स लिया, ये मुझे लेवल्स में ला के प्रॉपर लेवल्स दिखा रहा है। मैं अगर बीच में पेमेंट के बीच में इंटरप्ट अगर कर देता तो शायद मुझे यहाँ पे लेवल नहीं दिख रहे होते और फिर शायद मैं कस्टमर केयर को रीच करके परेशान हो रहा होता कि भाई मैंने तो चीज़ खरीद ली है, मैंने तो पेमेंट कर दिया है, बट मुझे वो चीज़ें नहीं दिख रही है। सो ये ध्यान में रखने वाली बात है जो अंकुश जी ने बोले, जब भी हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद हमको पीछे कहीं पर भी बैक नहीं जाना है, वेट करना है। डायरेक्टली वेबसाइट पे हम डायरेक्ट होंगे, अगर मैंने कॉल्स लिया तो कॉल्स में डायरेक्ट होंगे, अगर मैंने एनालिसिस सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया तो मैं उसमें डायरेक्ट होंगे।